जय सियाराम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के यूट्यूब चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि राम नाम के जाप के तुरंत बाद, या फिर आप किसी मंत्र जाप की साधना कर रहे हैं उसके तुरंत बाद, ये पांच काम कभी भी नहीं करने चाहिए। इन पांच कामों से आपको बचना है, नहीं तो आपकी जो राम नाम की ऊर्जा होगी वह व्यर्थ हो जाती है, यानी कि आपके शरीर से निकल जाती है। आज हम आपको जो पांच संकेत बताने जा रहे हैं, जो काम बताने जा रहे हैं, उन कामों को अगर आप नहीं करेंगे तो आपको राम नाम के जाप का कई गुना फल प्राप्त होने लग जाएगा। साधना हम करते हैं, साधना के बारे में हमें पूरी गुप्त जानकारियां नहीं होती हैं, या फिर हम किसी की सलाह नहीं ले पाते हैं, तो जो साधना का असर होता है, जो उसका लाभ होता है, वह हमें देर से मिल पाता है। अगर पूरे नियमों का पालन किया जाए और पूरी जानकारी आपके पास हो तो कोई भी मंत्र बहुत शीघ्र ही जागृत हो जाता है। एक बात और हम आपको बता देते हैं, वैसे हम आप लोगों से कहते हैं कि 1,25,000 मंत्र जाप करने से मंत्र जागृत हो जाता है। अब इसका रहस्य क्या है ये सुनिए। 1,25,000 मंत्र से आपके मंत्र की जो 50% एनर्जी होती है वो एक्टिव हो जाती है, लेकिन मंत्र की जो पूरी ऊर्जा होती है वह उस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख बार जाप करने से जागृत होती है। यानी कि ओम नमः शिवाय मंत्र है जो 5 अक्षरों का मंत्र है, तो इसका अगर आप 5,00,000 बार जाप करते हैं तो यह मंत्र आपका पूरा जागृत हो जाता है। राम श्री राम, जय राम, जय जय राम, इसमें अक्षर गिन लीजिए, जितने अक्षर हैं उतने लाख बार आप इनका जाप कर लेते हैं तो यह पूर्णतः जागृत हो जाते हैं। तो ये बातें आपको मंत्र जागृति के संबंधित थे। जब हम जाप करते हैं उसके तुरंत बाद कुछ हम ऐसे काम कर देते हैं जो कि हमारे जाप की ऊर्जा को कम करने वाले होते हैं। सबसे पहला काम जो जाप के समय होता है वह हमारा यह होता है कि जैसे ही हम ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, जाप कर रहे हैं, तो बीच बीच में हम अपने नेत्र खोल लेते हैं, यानी कि अपनी आंखों को खोल लेते हैं। किसी ने कोई आवाज दी तो उसे सुनने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जितनी आपके अंदर मंत्र जाप की ऊर्जा बनी हुई है वह ऊर्जा आपके आंखों के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो जितने समय तक आप जाप करें, चाहे 5 मिनट के लिए जाप करें, चाहे 6 मिनट के लिए, या आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए, बस नेत्रों को बंद रखें, या फिर आप किसी ऐसे चित्र की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें, अपने नेत्रों से ऐसे चित्र को देखें जो कि आपके इष्ट से संबंधित हो, तो भी आपका जो मंत्र है वो बहुत जल्दी जागृत हो जाता है। जो दूसरी बात है वह यह है कि जब आप मंत्र जाप करके निवृत्त हो जाए तो उसके तुरंत बाद आपको जमीन को अपने सर से स्पर्श कराना है। यानी कि जब आप जमीन को अपने सिर से स्पर्श कराएंगे तो उससे क्या होता है कि आपकी जो ऊर्जा, आपके आसपास जो ऑरा बना हुआ है, और जैसे ही आप मस्तक जमीन पर लगाते हैं, धरती माता पर लगाते हैं, तो धरती माता की कृपा से आपका जो ऑरा होता है वो और मजबूत बनता है, उसकी पूरी ऊर्जा आपको मिल जाती है। क्योंकि जब हम जाप करते हैं तो उसकी ऊर्जा हमारे चारों ओर फैली हुई होती है, और जब हम धरती माता को प्रणाम कर लेते हैं तो धरती माता की कृपा से वो ऊर्जा हमें सब मिल जाती है। जो तीसरी बात है वह यह है कि आप मंत्र जाप करने के तुरंत बाद कभी भी आसन को ना छोड़े, या फिर माला से अपने हाथ को ना निकाले। थोड़ी देर बैठे, 10 से 5 मिनट उसी आसन पर बैठे, भगवान का चिंतन करें और अपने मन को स्थिर करें, राम 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 करते रहें, लेकिन तुरंत बाद आपको आसन नहीं छोड़ना है जाप के। ये एक गलती होती है जिस गलती की वजह से आपके अंदर जो ऊर्जा बनी हुई होती है, अगर आप साथ ही साथ हट जाते हैं तो आधी ऊर्जा आपकी माला में रह जाती है, आधी ऊर्जा आपके जाप वाले आसन में रह जाती है। हो सके तो जो आपका जो माला है उसको आप अपने गले में धारण कर लेते हैं तो उसकी आपको पूरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। जो चौथी बात है वह यह है कि मंत्र जाप के तुरंत बाद आपको वॉशरूम नहीं जाना है, ना तो स्नान करना है, ना ही लेटरिन बाथरूम जाना है। आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना है कम से कम 1 घंटे तक।
इससे क्या होता है कि आपकी जो ऊर्जा होती है वो आपके चक्रों पर भर जाती है, चौन से चक्र पर आपकी ऊर्जा होती है वहां पर स्थिर हो जाती है, वो डट जाती है। तो फिर आप स्नान आदि क्रिया करते हैं तो फिर उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है। जो पांचवी बात होती है जिसे कभी नहीं करना चाहिए वो यह होती है कि मंत्र जाप के तुरंत बाद आपको किसी से कुछ बोलना नहीं है, यानी कि आपको बिल्कुल मौन अवस्था में रहना है, शांत रहना है। कम से कम 10 से 5 मिनट 15 मिनट आपको बिल्कुल शांत चित्त होकर बैठना है और गाली तो अपने मुंह से कभी निकालनी भी नहीं है और दूसरे के बारे में आपको उस समय गलत भी नहीं सोचना है। यानी कि आपका कोई दुश्मन है, आप उससे जलते हैं या आपको वो अच्छा नहीं लगता है तो उसके बारे में उस समय नेगेटिव विचार आप कभी ना लाएं, क्योंकि आपके जो नेगेटिव विचार होते हैं वह उसको लग जाते हैं, यानी कि आपकी हाय उसे लग जाती है, उसमें आपके जाप का कुछ अंश चला जाता है। अगर आपके किसी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके जाप का कुछ अंश उसमें चला जाता है कि उस समय आपकी ऊर्जा जो है जाप के बाद पूरी तरह एक्टिव अवस्था में होती है, तो उसे जाप की ऊर्जा मिल जाती है तो किसी का भला हो जाता है। उस समय तो आपसे हो सके जितना ज्यादा हो सके आप अपने आप को शांत रखें, चुप रखें और मौन अवस्था में हो जाएं। छठवीं जो बात है वह यह है कि आपको कभी भी नाम जाप के बाद अपने हाथों को स्पर्श या फिर गलत चीज से स्पर्श नहीं कराना है, ना ही उन्हें वॉश करना है, ना ही धोना है, क्योंकि जाप की जो सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है वो आपके हाथों में होती है। आपने देखा होगा कि बहुत से भक्त ऐसे होते हैं, साधक होते हैं, तो वो अपने हाथ से ही किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी के ऊपर हाथ रख देते हैं तो उसके ऊपर कोई नेगेटिविटी होती है तो वो खेलने लगती है, कोई पॉजिटिविटी होती है तो सवारी के रूप में आ जाती है, या फिर वो किसी को हाथ से आशीर्वाद दे देते हैं तो वह आशीर्वाद उनका फलीभूत हो जाता है। तो इन छह बातों का आप ध्यान रखें, इन छह कामों को आप कभी भी गलती से भी जाप के तुरंत बाद ना करें। आपका मंगल हो, बालाजी महाराज कृपा करें, आपके परिवार पर आपके धन दौलत की बरकत हो, व्यापार चले और राम जी आप पर हमेशा कृपा करें और आपका मन राम नाम के जाप में लगा रहे, यही जीवन का सार है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सियाराम, जय जय हनुमान।